विवी के ऊपर से स्पॉटलाइट हट गई और पूरे स्टेडियम की लाइट जल पड़ी। मुक्ति और होस्ट वापस स्टेज पर चलकर आ गए और उनकी अपोजिट डायरेक्शन से विवी के पीछे चलकर मेघना भी वहाँ आ गई। तुम्हारी आवाज कैसी है, मेघना ने विवी से पूछा। अपना गाना गाने के बाद विवी वहाँ बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी होकर ऑडियंस की तरफ देख रही थी। मेघना का सवाल सुनने के बाद विधि उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा गई और अपना सर हिलाकर उसने मेघना को बता दिया कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। विधि की मुस्कुराहट देखकर मेघना की चिंता खत्म हो गई और वो रिलैक्स फील करने लगी। मेघना और विधि को इशारों में कुछ बात करता देख मुक्ति को डाउट हुआ और वो अपने मन में बोली, इस कमीनी से बोला तक नहीं जा रहा है और ये यहाँ खड़ी होकर किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। विदुषी शर्मा, तुम्हारी सिंगिंग इतनी भी बुरी नहीं है, मुक्ति प्यार से बोली। क्या तुम फिर से मेरे लिए एक दो लाइन गाकर सुना सकती हो, मुझे तुम्हारी सिंगिंग बहुत अच्छी लगी। विधि ने उसको तिरछी नजर से देखा। ये मुझे फिर से गाने के लिए ऑर्डर देने वाली कौन होती है, विधि अपने मन में बोली। मेघना ने मुक्ति की बात का जवाब अपनी तीखी आवाज में दिया, गाने को इतना एंजॉय करने के लिए थैंक यू। हालांकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि विदुषी का गला थोड़ा खराब है और उसके लिए पूरे गाने को गाना एक बोझ की तरह था। वो अब फिर से कुछ बोलकर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगी। ओह, ये तो बहुत बुरी बात है, मुक्ति चालाकी से बोली। विदुषी, तुम आज पूरे दिन चुप रही हो, हमने तुम्हारे मुंह से गाने के अलावा कुछ भी नहीं सुना, लगता है तुम्हारे गले की हालत ज्यादा ही खराब है। विदुषी अपना पूरा गाना गा चुकी है, अब हमें ज्यादा देर ना करते हुए ऑडियंस की तरफ से उनके वोट ले लेने चाहिए। मेघना वही खड़ी होकर मुक्ति के साथ विधि की आवाज पर ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। मुक्ति किसी को बैकस्टेज की तरफ अजीब ढंग से देखने लगी। तभी ऑडियंस में से एक आदमी की आवाज जोर से आई, विदुषी शर्मा ने चीटिंग की है, विदुषी शर्मा ने गाना नहीं गाया बल्कि लिप सिंक किया है। जो आदमी चिल्लाकर बोला वो स्टेज के काफी पास था। उस आदमी की बात खत्म होते ही होस्ट हैरान होने का नाटक करने लगा और माइक अपने मुंह के पास लाकर बोला, ये किसकी आवाज थी। ऑडियंस में से एक आदमी ने अपना हाथ ऊपर उठाया, ओके जेंटलमैन, आप क्या कहना चाहते हैं, विदुषी शर्मा ने लिप सिंकिंग की है। उस आदमी ने कहा, विदुषी ने लिप सिंकिंग की है। होस्ट की आवाज स्पीकर की वजह से पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी। हाँ, विदुषी शर्मा ने लिप सिंक करके चीटिंग की है, मेरे पास सबूत भी है, वो आदमी ऑडियंस के बीच से चिल्लाता रहा। सबूत? होस्ट भी माइक में से बोले जा रहा था, जेंटलमैन आप किसी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, अगर आपके पास चीटिंग का कोई सबूत है तो आप स्टेज पर आकर हमें दिखाएं। अगर मिस विदुषी ने चीटिंग की है तो हम उनको यहाँ से ऐसे नहीं जाने देंगे, वरना हम किसी आदमी को उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाने दे सकते। लोगों की नजर में होस्ट अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहा था, लेकिन असलियत में वो होस्ट उस आदमी को जानता था और जानबूझकर उस आदमी को स्टेज पर बुलाना चाह रहा था ताकि वो विदुषी को सारी ऑडियंस के सामने स्टेज पर बदनाम कर सके। मुक्ति वहाँ चुपचाप खड़ी हुई थी। जो आदमी इन्फॉर्मर बनकर वहाँ आया था उस आदमी को टाइम म्यूजिक एंटरटेनमेंट वालों ने खुद वहाँ ऑडियंस में भेजा था। मुक्ति की नजर में विधि चीटिंग कर रही थी, इसलिए उसने विधि को सब लोगों के सामने बदनाम करने के लिए सोच लिया था। वो आदमी जल्दी से स्टेज पर चढ़कर आ गया। मेघना गुस्से में बोली, हेलो भाई साहब, विदुषी आपको जानती तक नहीं है और ना ही उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है, तुम विदुषी के ऊपर लिप सिंकिंग का झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो। अभी तुमको पता चल जाएगा कि मैं इस विदुषी पर झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ या फिर सच्चा, वो आदमी जोर से बोला। मैं खुद विदुषी मैम का फैन हूँ और मैं सब लोगों से छुपकर बैकस्टेज पर विदुषी मैम का ऑटोग्राफ लेने के लिए वेट कर रहा था। मुझे थोड़ी पता था कि वेवी डांस एंटरटेनमेंट का स्टाफ बैकस्टेज पर ऑडियो मिक्सर और दूसरे स्टाफ को वहां से भगा रहा होगा। मैंने जैसे उन लोगों को भागते हुए देखा तो मैं चुपचाप जाकर उनकी बातें सुनने लगा। वो बोल रही थी कि वो सब प्री रिकॉर्डेड ऑडियो मिक्सर रूम में चला देंगे और विदुषी मैम स्टेज पर लिप सिंक कर लेंगी। वो उदास होकर विधि की तरफ देखने लगा। मुझे आपको अपना आइडल बोलने में भी शर्म आ रही है, आप ऐसा कैसे कर सकती हो। उस आदमी की झूठी एक्टिंग देखकर विधि मुस्कुरा रही थी। वो आदमी नकली एक्टिंग करने में मुक्ति को टक्कर दे रहा था। विधि को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो कोई नुक्कड़ नाटक देख रही हो, लेकिन वो चुप रही। मेघना ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, फालतू की बातें बंद करो, तुम्हारे पास क्या सबूत है, मैं भी तो देखूं तुम कैसे नकली सबूत बनाकर लाए हो। उस आदमी ने अपनी जेब से फोन निकाला और होस्ट के हाथ में पकड़ाते हुए बोला, मैं खुद हैरान हो गया था और अपने आप को वीडियो बनाने से रोक नहीं पाया। बैकस्टेज में म्यूजिक मिक्सिंग रूम के अंदर सिर्फ वेवी डांस एंटरटेनमेंट का स्टाफ अंदर घुसा हुआ था और वहाँ अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं थी, ये रहा सबूत। हालांकि मैं भी वीडियो बनाने से डर रहा था कि
कि कहीं मुझे वेवे डांस एंटरटेनमेंट के लोग ना पकड़ लें, इसीलिए मैंने वीडियो थोड़ी दूर से रिकॉर्ड की है। शायद इसी वजह से वहाँ क्या बात चल रही है आपको पता नहीं चलेगा। सबूत के लिए वीडियो ही काफी है, होस्ट ने जवाब दिया। वो अपनी तरफ से उस आदमी को पूरी हिंट दे रहा था। होस्ट ने उस आदमी के फोन से रिकॉर्डेड वीडियो निकाली और उस वीडियो को बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करने लगा। जैसा कि वहाँ खड़े लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। मिक्सिंग रूम में सिर्फ वेवे डांस एंटरटेनमेंट के स्टाफ के लोग खड़े हुए थे और उन लोगों को वेवे डांस एंटरटेनमेंट की सिक्योरिटी गार्ड कर रही थी। स्टेडियम की पूरी ऑडियंस से फिर से बातें होने लगी। वो फिर से विधि के अगेंस्ट हो गए। मैं तो पहले कह रहा था कि विदुषी शर्मा इतना अच्छा कभी गा ही नहीं सकती। मुझको पहले से ही ऐसा लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। एग्जैक्टली, उसकी मैनेजर ने उसके गले के बारे में भी झूठ कहा होगा। विदुषी अच्छे से जानती है कि वो अपनी बेकार आवाज के साथ कभी भी मुक्ति को हरा नहीं पाएगी, इसीलिए उसने चीटिंग करने का सोच लिया होगा। विदुषी के अंदर जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। बहुत से लोग विधि को गुस्से से क्रिटिसाइज कर रहे थे। हाँ, मैं मानती हूँ कि वेवे डांस एंटरटेनमेंट का स्टाफ मिक्सिंग रूम में मौजूद था। मेघना की तीखी आवाज साफ ढंग से सुनी जा सकती थी और ऐसा इसलिए क्योंकि विदुषी का गाना काफी यूनिक था और उसको किसी ऐसे ऑडियो मिक्सिंग मास्टर की जरूरत थी जिसने पहले उसके साथ काम किया हो। ये आदमी यहाँ खड़े होकर बोल रहा है कि उसने वेवे डांस एंटरटेनमेंट के स्टाफ के लोगों को विदुषी के लिए लिप सिंकिंग का प्लान करते हुए सुना, लेकिन मुझे पता है कि ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा है तो उस आदमी ने जिन लोगों को वहाँ देखा है उनको पॉइंट आउट करके बता दे। मैं वो आदमी मेघना की बात सुनकर घबरा गया और उसे समझ नहीं आया कि वो आगे क्या बोले। वहाँ बहुत अंधेरा था इसलिए मैं उन लोगों को ढंग से नहीं देख पाया। मेघना चालाकी से हंसने लगी। अगर तुम किसी को जानबूझकर बदनाम कर रहे हो तो तुम्हारे नाम पर केस भी हो सकता है। मेघना, प्लीज ऑडियंस को डराने की कोशिश मत करो। वहाँ खड़ा हुआ होस्ट तुरंत ही उस आदमी के सपोर्ट में आ गया। मेघना की हंसी और तेज हो गई। डराने की कोशिश? कौन किसको डरा रहा है? अगर कोई मेरे सामने मिस विदुषी पर झूठा इल्जाम लगाएगा और मैं उनकी मैनेजर होने के नाते क्या उनको डिफेंड नहीं करूंगी? मेघना की बात सुनकर होस्ट की बोलती बंद हो गई। मुक्ति धीरे से बोली, मेघना तुम गुस्सा मत हो, मैं जानती हूँ कि इस सिचुएशन में कोई भी नाराज हो जाएगा। हालांकि मिस विदुषी ने अभी तक अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा है। मैं जानती हूँ कि ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन जैसा आपने कॉम्पिटिशन की शुरुआत में बताया, मिस विदुषी का गला खराब है, इसीलिए शायद सारे लोगों को लग रहा है कि मिस विदुषी के पास लिपसिंग करने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। मुक्ति के चेहरे पर मासूमियत भरी मुस्कुराहट थी और वो आगे बोली, मेघना मिस विदुषी के लिए अपनी इनोसेंस साबित करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वो बस अपना मुंह खोल कुछ बोल दे या फिर जो लाइन उन्होंने गाने में गाई है उन्हीं लाइंस को एक बार फिर दोहरा दे। विदुषी शर्मा, अगर तुमने अब अपनी आवाज नहीं निकाली तो सब लोगों के सामने साबित हो जाएगा कि तुमने चीटिंग की है। मुक्ति अपने मन में बोली, मिस मुक्ति बिल्कुल सही बोल रही है। मिस विदुषी को बस कुछ बोल कर दिखाना है, जरा सा बोलने की वजह से उनकी आवाज पर ज्यादा जोर तो नहीं पड़ना चाहिए। होस्ट और मुक्ति मिलकर विधि के कुछ बोलने पर जोर डाल रहे थे। मेघना चिढ़ गई और अपना गुस्सा दिखाते हुए बोली, अगर विदुषी ने अपना मुंह खोल भी दिया तो तुम लोग फिर बाद में बोलोगे कि उसने लिप सिंकिंग करके चीटिंग की है। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। मुक्ति का मूड बहुत अच्छा हो चुका था। वो आगे बोली, मेघना अब तुम आगे कुछ मत बोलना, अब जो भी बोलेगी वो मिस विदुषी ही बोलेंगी। मैं भरोसा कर लूंगी कि मिस विदुषी ने पूरा गाना लाइव गाया है। मिस विदुषी के कुछ ना बोलने की वजह से ही सब लोगों को शक हो रहा है। क्या उसे सच में कुछ बोलने की जरूरत है? हाँ, उसे बोलने की जरूरत है।